जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय का श्रवण आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने तीन अध्यायों का श्रवण आपको कराया, आशा है इससे जरूर कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण जो है वो ज्ञान का सागर है, अथाह सागर इसमें भरा हुआ है। इस चतुर्थ अध्याय में भी बताया गया है कि किन पाप कर्मों के करने से हमें यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी में गिराया जाता है, जिस नदी में कई सारे कष्ट भोकर प्राणी हाहाकार करता हुआ यमराज से क्षमा याचना मांगता है, किंतु वह उसका अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाता है। वे कौन कौन से कर्म है? बुरे कर्म है जिनका फल हमें नरक योनि में जाना पड़ता है। चार दिशाएं मानी जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर ये तो देवलोक की दिशाएं मानी जाती है, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। इसी दिशा से यमराज प्रवेश करते हैं और इसी दिशा से पापी लोग नरक योनि में प्रवेश करते हैं। तो इसका संपूर्ण वर्णन हम आपको इस चतुर्थ अध्याय के हिंदी अनुवाद में बता रहे हैं। विष्णवे नमः। अथ पञ्चचतुर्थो अध्याय। गरुड़ उवाच। कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै पापैर्नरकयान्ति तन्मे कथय केशवः। श्री भगवान उवाच। सदैव कर्म नितरां शुभकर्म पराङ्गमुखा नरकान् नरकं यान्ति दुःखाद् दुःखं भयाद्भयम्। तो गरुड़ जी इस चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, पुनः पूछते हैं, ये भगवान किन पापों से जीव यन्मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों के करने से नरक में पड़ता है, वह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि ये गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो सदा शुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अंतर पुनः दूसरे दुख को भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का अनुभव करता है, इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराज के चार दरवाजे हैं, उन्हें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर, इन तीनों दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष अंदर जाते हैं, केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष अंदर जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच एक वैतरणी नामक नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उसको कहता हूं ब्रह्म हत्या करने वाले, मदरा पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बलाघाती स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य हर्ता, देव द्रव्य हर्ता, ब्राह्मण द्रव्य हर्ता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उन्हें धन को हरने वाली, बालकों के धन को हरने वाली, द्रव्य उधार देने वाले के बाद में न देने वाली, दूसरे की वस्तु बंधक रख कर उसे न देने वाली, विश्वासघाती जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उसके गुण की प्रशंसा करने वाले गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुष का साथ करने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों के सत्कर्म की गुरु की ओर देव की निंदा करने वाले, प्राण वेद मीमांसा न्यास वेदांत आदि को दूषण करने वाले, दूसरों को दुखी देखकर अप्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले,
कटुवचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूं, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं वे मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता की स्त्री की का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उनमें दोष आरोपण सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार का दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का बैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। जो दान देकर आप ही हार लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है, व्यर्थ दान दिया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरों की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गायें चराती है उस जगह खेत करता है। ब्राह्मण होकर घृत तेल गुड़ आदि का व्यापार करता है। ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करता है। वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है। कभी संध्या सेवा पूजा आदि नहीं करता और मांस भक्षण का मद्रा पान करता है। बड़ों की आज्ञा नहीं चलता है। शास्त्र की आदि का अध्ययन नहीं करता है। शूद्र होकर वेद पढ़ता है। जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञ पवित्र धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है। राजा की स्त्री की इच्छा करने वाले, परास्त्री को हर लेने वाला, कुमारी लड़की का सेवन करने वाला, पतिव्रता स्त्रियों का लांछन लगाने वाला, इन्हें तथा अन्य बहुतों से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाली, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग का त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहां यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में गिरते हैं। वे गरुड़ सब नरकों से 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। इसलिए प्रथम गिनाए ऐसे अत्युत कष्ट पापियों को यमदूत बैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं किया और जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की गई, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी में दुखों को भोगते हैं। सांवली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग तीर्थ यात्रा न करने वाले और विधवा स्त्री का सील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाले, स्त्री पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सांवले वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं।
यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ना कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूं। नास्तिक मर्यादा को भेदन करने वाले धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय की इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को न मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करें, या वैश्य देव के बिना भोजन करें, या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ाए, ये नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग का रोदन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने के नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र पैदा करने से उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मणों के कलह को, गांवों के युद्ध को जो नहीं रोकते हैं, अपितु यह कहकर कि अच्छे लड़ रहे हैं अनुमोदन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में जाती है, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो राजसोला स्त्री का सेवन करते हैं, वो पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे नरक जाते हैं। जो पुरुष शरीर विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प में, बगीचे में, मार्ग में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। धनुष्खंड आदि शास्त्र बनाने वाले तथा शास्त्रादि को बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैसे होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचारी का आजीविका करे, जहर को बेचना वाला नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले, सत्पुरुषों को दोष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले, इन सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले और सबसे कपट रखने वाले नरक में जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों का लाभ त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, प्राण वक्ता का सत्कार नहीं करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। विवाह में भंग डालने वाले, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाले, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है, और यहाँ वहाँ से वह लौटता नहीं है। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डाल देते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करते हैं, तब यमदूत आशीपत्रवन में उसको ले जाते हैं। तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर नीचे गिरते हैं, शरीर काटने लगता है, तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस डंडी छाया, ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब तुम्हारा प्यास लगती है, तब वह जल पीने की याचना करता है, तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्नभक्षण करो। उस पानी को पीने के से उसी क्षण पेट की आंतड़ियां जल जाती है, इससे देह नीचे गिर जाता है, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु
पराधीन परवश होकर अर्धवंश सांस लेता है किंतु बोलने से में असमर्थ नहीं होता। ये गरुड़ इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं में मैंने आपसे कहा अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय परंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं, सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन त्रिलोकी का जब नाश होता है तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय सभी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इसी तरह पापों के छह अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा में स्थावरित होते हैं। वृक्ष गुल्म लता वनस्पति पर्वत तृण ये सब स्थावर कहे जाते हैं, ये सभी मनमोहक से युक्त है। पुनः ये सब कृमि पशु पक्षी मछली आदि देव ने 84 लक्ष यानी लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। गलत कुंठा इस जन्माधा महारोग समाकुला भवन्ते एवं नरा नार्या पाप चिरौन बलप्चितः। स्थावरवादी में ये सब ब्राह्मण मनुष्यतः प्राप्त होते हैं और मनुष्यतः में भी नरक में आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोड़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े रोग से गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थ अध्याय का श्रवण आपको कराया। आशा है इससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा और पाप कर्मों को न करने की आपने प्रतिज्ञा की होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे।